वेलकम टू साउथनाथ भोजन। आज हम पम्पकिन से दो रेसिपी बनाएंगे। पम्पकिन को हिंदी में लाल बोपला कद्दू कहते हैं। जिसको पम्पकिन पसंद नहीं है, ये बनाएगा तो जरूर खाएंगे। वो दो रेसिपी क्या है हम देखेंगे। हमारा पहला रेसिपी है कद्दू की चटनी। हमने इधर आधा किलो पम्पकिन लिया है, इसका ऊपर का पार्ट लेना है, 3 चम्मच ग्रेटेड नारियल, 8 लाल मिर्ची, 3 चम्मच सफ़ेद उड़द दाल, इमली थोड़ा से, आधा चम्मच चने का दाल, नमक हिंग थोड़ा से लिया है। चलिए अभी हम चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए पहले हम ये ऊपर का पार्ट निकालेंगे। इसको अभी हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे। इसका जो बी एकदम कवला रहेगा है, उसके साथ ही हम चटनी बनाएंगे। हमने इधर काट के ले लिया है, ये बच्चा वाला बोपला को हम सेकंड रेसिपी में यूज करेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। गैस चालू किया है, एक कढ़ाई लिया है, उसमें 2 चम्मच तेल, 1 मिर्ची डालेंगे, 1 उड़द दाल, 1 चने का दाल, 1 गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है, इमली जो हमने काट के रखा है बोपला का वो ऐड करेंगे, नमक हिंग, बोपला का कच्चापन निकलने तक फ्राई करना है। अभी हम एक प्लेट में चेंज करेंगे। इसी पैन में ही हम नारियल को 2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। 2 मिनट हो गया है, अभी गैस बंद किया है। अभी हम नारियल को एक दूसरा प्लेट में चेंज करेंगे, साइड में ही निकालेंगे प्लेट में। थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया है, एक मिक्सी जार में हम डालेंगे। पहले हम इसको पीस के लेंगे। अभी हमने पीस के लिया है, इसी में अभी हम नारियल ऐड करेंगे। नारियल पहले ऐड नहीं करने का है, ये 2 सेकंड के लिए हम पीस के लेंगे। 2 सेकंड के लिए ग्राइंड करके लिया है। अभी हम एक बाउल में चेंज करेंगे। चटनी को और अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम राई का तड़का देंगे। एक हैंड पैन में 1/2 चम्मच तेल डाला है, तेल गर्म हो गया है, इसमें 1/2 चम्मच राई डालेंगे।
अभी हमारा चटनी रेडी है, ये आप राइस और चपाती का साथ खा सकते हैं। चलिए अभी हम दूसरा रेसिपी के लिए बढ़ते हैं। अभी हम बोपला का सब्जी बनाएंगे। हमने इधर आधा किलो बोपला लिया है, 1 कप ग्रेटेड नारियल, 3 चम्मच मूंग दाल आधा घंटा भिगा के लिया है, आधा चम्मच राई, 1 चम्मच उड़द दाल, 4 लाल मिर्ची को पीसेस में लिया है, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी। चलिए अभी हम बोपला को पहले काट के लेंगे। अभी हम बोपला का ये छिलका निकालेंगे। अभी हम बोपला का छिलका निकाल दिया है, अभी हम पीसेस करके लेंगे। थोड़ा बड़ा सा इसमें पीसेस करना है। हमने अभी पीसेस में करके लिया है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हमने गैस चालू किया है, एक कढ़ाई लिया, उसी में ही 2 चम्मच तेल, तेल गर्म होने देंगे। गर्म हो गया है, राई, मिर्ची, उड़द दाल, उड़द दाल को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। उड़द दाल ब्राउन हो गया है, अभी हम बोपला को ऐड करेंगे। मूंग दाल, नमक, हल्दी, थोड़ा से हींग, ये हींग ऑप्शनल है। अच्छे से मिक्स करने का है, गैस को मीडियम में ही रखने का है। अभी हम ढक्कन रख के पकाएंगे, बीच बीच में थोड़ा हिलाते ही रहने का है। अभी हम खोल के देखेंगे। और 5 मिनट के लिए हम पका के लेंगे। पांच मिनट हो गया है, इसी में अभी हम नारियल ऐड करेंगे। से मिक्स करेंगे, नारियल भी अच्छे से मिक्स हो गया, पम्पकिन भी एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसका मतलब पम्पकिन भी अच्छे से पक गया है। अभी हम लास्ट में कड़ी पत्ता भी ऐड करेंगे। अभी हमारा बोपले का सब्जी रेडी है। अभी हमारा दूसरा रेसिपी भी रेडी है। हमारा दोनों डिश रेडी है। आप भी अपना घर पे बना के देखिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए। और पसंद आया तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए।